शहडोल जिले के बुढ़ार, धनपुरी और जैतपुर क्षेत्र में एक बिजली तार चोर गिरोह ने पुलिस, जनता और बिजली विभाग के साथ किसानों की भी नाक में दम कर रखा था। इस गिरोह ने 3000 मीटर लंबी और 50 लाख रुपए से अधिक कीमती तार चोरी कर कबाड़ियों को बेच दिया। यह चोर गिरोह 11 केवी और 33 केवी हाई टेंशन चालू लाइनों से तार चोरी करता था। बुढ़ार पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य सदस्य फरार हैं। साथ ही चोरी के तार खरीदने वाले 5 कबाड़ियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बुढ़ार पुलिस की कार्रवाई। बुढ़ार थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के धनपुरी और बुढ़ार क्षेत्र के अतरिया टोला और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से 3500 मीटर कीमती कंडक्टर वायर चोरी की शिकायत बिजली विभाग के जेई द्वारा दर्ज कराई गई थी। बुढ़ार पुलिस ने इस शिकायत पर दर्ज करवाते हुए आरोपियों अजनी चौधरी और बादल चौधरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्य राहुल चौधरी, राज चौधरी और अरुण चौधरी भी शामिल थे। चोरी का तरीका और तार खरीदने वाले कबाड़ी। यह चोर गिरोह जान जोखिम में डालकर चालू 11 केवी लाइन से तार चोरी करता था। ये लोग बिजली पोल को गिराकर शॉर्ट सर्किट से तार काटते थे और फिर इसे विभिन्न कबाड़ियों को बेच देते थे। चोरी का तार उमरिया जिले के नारोजाबाद के लल्लू कबाड़ी, बुढ़ार इमली टोला के राजा चौधरी और विजय उर्फ बोका को बेचा गया था। बुढ़ार पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 8 फरार हैं। पुलिस ने चोरी का लगभग 2 लाख रुपए का तार और 8 लाख रुपए की पिकअप वाहन जब्त की है। बिजली विभाग की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार पिछले 1 साल में उनके क्षेत्र से लगभग 3838 मीटर कंडक्टर वायर और 53 लाख रुपए से अधिक कीमती वायर चोरी हो चुके हैं। अकेले धनपुरी क्षेत्र में 21 जगहों पर चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। ये एनपीपी जेई धनपुरी और एई बुढ़ार के द्वारा दिवस 2 एफआईआर कराई गई थी, जिस पर बयान विवेचना चोर गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जो तार उनके द्वारा चोरी किया गया था, करीबन 1 क्विंटल तार और 1 पिकअप जो कि कबाड़ी के नाम पर है, जब्ती की गई है। लगभग पूरे मामले में 10 लाख करीब का मुशुका जब्त किया गया है और इसका खुलासा किया गया है। कितने आरोपी पकड़े हैं? अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। करीबन चोर गिरोह के 4 सदस्य की गिरफ्तारी शेष है और जो कुछ कबाड़ी, इसमें करीबन 4-5 कबाड़ी थे जिनके पास माल विक्रय किया गया था, उनको भी आरोपी बनाया गया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बुढ़ार उप संभाग में 3 वितरण केंद्र आते हैं, जिसमें बुढ़ार, धनपुरी, जैतपुर शामिल है। विगत 2-3 माह से ये विद्युत लाइनों का चोरी की घटनाएं निरंतर पाई जा रही है, जिसमें सब प्रकार की लाइनों, चालू लाइनों को काट के कोई संगठित जो गिरोह है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चालू लाइन के को 33 केवी की भी लाइन है, 11 केवी की लाइन भी है, मिनी टॉप की लाइन भी है, उसको चोरी करके ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना हम लोग के द्वारा निरंतर संबंधित थाना क्षेत्र को दी जा रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी इस ओर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और क्योंकि इन चोरियों से हमें काफी काम करना पड़ रहा, हमारे कर्मचारी जो है निरंतर लाइन फॉल्ट सुधारने के अलावा भी इन चोरियों को रोकने के लिए भी उसको पेट्रोलिंग करना पड़ता है। ये एक अलग से काम हमारे लिए हो गया है और वाकई में हम लोग थोड़ा सा इसमें चाहते हैं कि इसमें तुरंत अंकुश लगे। इसमें आपने शिकायत की है क्या? हाँ, थाने में जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहां पर शिकायत की गई है और शिकायत भी दर्ज की गई है। लगभग कितने तार चोरी हुए होंगे और इससे क्या नुकसान है आपको, क्या प्रभाव? तीनों वितरण केंद्र जो है हमारे, उसमें मिला के लगभग 32 जो लोकेशन है वहां पर सभी प्रकार की लाइनों के तार वगैरह चोरी हुए हैं और इससे दूसरा काम पड़ता है कि उपभोक्ताओं के, जब यदि अपन सप्लाई प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उससे उपभोक्ता भी परेशान होते हैं, निरंतर ऑफिस में आके लाइन लगवाने का लिए गुहार करते रहते हैं। ये एक समस्या अलग है। लोग भी कंप्लेन करते थे, कुछ लोग धरना भी दिए कि बिजली की समस्या लगातार बिजली गुल हो रही,
उसका भी वजह हो सकती है क्या? नहीं, ये वजह अभी नहीं है फिलहाल, वो तो उस समय गर्मी की समय में एक अलग वजह थी, क्योंकि ये लगभग लगभग उन क्षेत्रों में टारगेट किया जाता है जहाँ पर लाइनें थोड़ा सा एकांत में है, और या फिर हमारे पास कोई उसका अल्टरनेट रहता है तो रात को कैसे भी करके हम लाइन चालू कर लेते हैं अल्टरनेट व्यवस्था से, और फॉल्ट निकालने का काम अपन थोड़ा सा करते हैं प्रयास की सुबह देख लिया जाए, तो उसी अवधि में लोग जो है उस काम को कर लेते हैं। आपको सुना? हाँ, मेरा नाम सुभाष सेन है, धनपुरी वितरण केंद्र के अंतर्गत है। ये सब गांव आते हैं मेरे अंडर में, इनमें लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, कंडक्टर वायर चोरी हो रहे हैं, अभी तक में जो है 50 लाख से ऊपर के चोरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी पुलिस में भी दी है, FIR भी हुई है, और क्या कहते हैं कई उपभोक्ता प्रभावित है। कृषि कार्य चालू लाइन में जान जोखिम डाल के चालू लाइन में क्या कहते काटते हैं, और 33 KV तक को हाथ लगाना चालू कर दिए थे। एक दिन जो है पूरा टीम रात में दौड़ाए तो 33 KV बचा, तो चालू लाइन में ये पूरी जो है। आपके फीडर क्षेत्र में कितना वायर चोरी हो गया, कितने के चोरी हुआ? ये 50 लाख से ऊपर का, कम से कम ये तो 3-4 हजार मीटर जो है वायर चोरी चली जा चुकी है लगभग। किसान प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, कृषि कार्य वाले सभी प्रभावित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कृषि कार्य की प्रभावित हो रहे हैं। ये तार चोरी करके क्या करते हैं? ये हो गए कबाड़ी वो करते होंगे, काटते होंगे, कबाड़ के अलावा तो कोई नहीं करेगा, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है, वही सब लोग वो करते हैं, रात में चोरी करते हैं। इसकी शिकायत आपने की? हाँ, इसकी शिकायत थाने में भी, FIR भी हुई है कई लोगों की, FIR भी दर्ज कराया मैंने, और इसके जो है जैसे भी बंद होती सप्लाई अपन दौड़ जाते हैं कि कहाँ पे, लेकिन अचानक आज इधर किए, एक हफ्ता बाद दूसरी जगह किए, एक हफ्ता बाद चौथे दिन बाद दूसरी जगह किए, ऐसे करके छिका के चोरी करते हैं। इसमें इस समय तो और ज्यादा चोरियां हुई हैं वर्तमान में। कब से कब तक चोरी? साल भर के अंदर की जो है इतना चोरियां हो गई हैं।